नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक्निकल। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक नई प्राइवेट जॉब की इन्फॉर्मेशन, जो कि है टाटा मोटर्स की तरफ से। अगर आप टाटा मोटर्स में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए, मैं बताऊंगा सही तरीका आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक लिंक ओपन करा हुआ है, ये लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इस पेज पे आसानी से आ जाएंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ जो है वो आपको नजर आता है, आपको सिंपली क्लिक करना है सर्च जॉब पे। यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना है, जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपको जॉब्स दिखने लग जाएंगी जिनके लिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये वो जॉब्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो मांगी गई है, और आप चाहे तो एक से ज़्यादा के लिए भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जॉब्स हैं, अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको जो है वो काफ़ी सारी जॉब जो है वो देखने को मिलेगी, जिसमें कि अलग अलग सिटीज़ में जॉब है और अलग अलग जो है वो क्वालिफिकेशन मांगी गई है। आप इसमें से किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं एक के लिए अप्लाई करके बता देता हूँ, बाकियों का भी जो है वो सेम ही है। चलिए ये फर्स्ट वाली जॉब जो है इसके लिए मैं अप्लाई करके बता देता हूँ। इस पर मैं जैसे दोस्तों क्लिक करूँगा तो जॉब के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे बताई जाएगी। बीटेक जो है वो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, 3 से 5 साल तक का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऊपर आपको जो है अप्लाई बटन दिख रहा होगा, सिंपली आपको यहाँ पे जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपसे मांगा जाएगा साइन इन। साइन इन डिटेल अगर हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास होगी नहीं, तो हमें जाना होगा क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर। तो हमें जो है वो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपको 2 बार ईमेल एड्रेस जो है वो टाइप करना है, अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेलेक्ट करना है और सिंपली क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे तो आप जो है वो रजिस्टर कर देंगे और लॉग इन कर पाएंगे। तो चलिए मैं थोड़ी सी वीडियो स्किप करता हूँ, तब तक मैं जो हूँ लॉग इन कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं लॉग इन कर चुका हूँ, और उसके बाद आपको ये फॉर्म फिल करने को जो है वो मिलेगा। आपको ये फॉर्म जो है वो पूरा फिल करना है, और फिल करने के बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे उस जॉब के लिए जिस पर आपने क्लिक करा था। यहाँ पे आपको जो है अपना रिज्यूम सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप कवर लेटर दे दीजिएगा, और यहाँ पे आपको अपनी जो प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट है उसकी डिटेल फिल करनी होगी। अगर आपके पास उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अटैच करना पड़ेगा। ये सारा कुछ फिल करने के बाद आपको यहाँ सिंपली नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। तो ऐसे करते करते दोस्तों आप सबमिट कर पाएंगे अपना रिज्यूम इस जॉब के लिए। तो ऐसे दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी वीडियोज लेके मैं आता ही रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।